दिस इज़ अवर SST क्लास, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। मतलब टाउन्स कैसे होते थे पहले हिस्ट्री में, मेडिवल पीरियड में, उसके क्राफ्ट पर्सन कैसे होते थे और उसमें ट्रेडिंग कैसे चलती थी, कैसे ट्रेडर्स होते थे। सो लेट्स स्टार्ट। वट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। जब हम मेडिवल पीरियड में हम विजिट करते हैं कहीं भी, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन कौन सा होता है, जहाँ पे मतलब टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते हैं और जब उसके आसपास लोग रहना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी लिविंग वहीं बनाना शुरू कर देते हैं, घर बना लेते हैं, उसे बोलते हैं टेम्पल टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो होता है जैसे जहाँ पे किंग्स वगैरह रहते हैं। कमर्शियल टाउन, कमर्शियल टाउन वो होता है जहाँ पे टैक्स लिया जाता है और टैक्स पे किया जाता है, मतलब रेवेन्यूज कलेक्ट किया जाता है। पोर्ट टाउन में क्या होता है कि मतलब इसी तरीके से होता है वो भी, पोर्ट टाउन मतलब जहाँ पे टैक्स वगैरह लिया जाता है या फिर वर्किंग की जाती है। तो हम इस तरीके के कुछ टाउन्स वगैरह हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड द सेवरल फंक्शंस। कुछ टाउन्स ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस इन सब के कंबाइन होते हैं। पोर्ट टाउन में ये भी होता है कि जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कुछ सामान बाहर से आया है और कुछ सामान बाहर से बाहर को बेचा गया है, तो उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, अमाउंट कलेक्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में हमने अभी पढ़ा था कि जिसमें किंग्स वगैरह राज करते हैं, जहाँ पे किंग्स रहते हैं। थंजावुर द कैपिटल ऑफ चोलास एज इट वॉज 1000 years ago। कुछ साल पहले चोलास की कैपिटल थी थंजावुर, वो वहाँ पर राज करते थे। द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। वन हियर्स द बेल्स ऑफ राजेश्वर, राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला। राजा राजेश्वर टेम्पल की बेल्स सुनाई देती हैं वहाँ पे, जो कि किसने बनाया था, राजा राजा चोला ने। उसके बाद है कुंज जरामलन राजा राजा पेरेंचुअन हु हैज़ प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। टेम्पल की वॉल पे जिन्होंने अपना नाम गुदवाया था, इनसाइड द मैसिव शिवा लिंगा, जिसमें मतलब शिवा लिंगा के बिल्कुल बीच में। तो बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर द पैलेसेस विद द मंडप्स। इन टेम्पल्स के अलावा और भी कुछ देखने को मिलता है, जैसे मंडप्स मिलते हैं। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स। किंग्स यहाँ पे मतलब वो बैठक रखवाते हैं इन मंडप्स के, मंडप्स में इशू करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। देयर आर ऑल्सो द बैरक्स ऑफ द आर्मी, आर्मी के लिए बैरक्स भी दिखाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई फॉर द टाउन्स कम फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। इन टाउन्स के लिए वाटर सप्लाई वेल्स और टैंक्स से आती है। द सैलिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड नियर बाय टाउन ऑफ उरायूर आर द बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर द फ्लैग्स टू बी यूज टू टेम्पल फेस्टिवल। टेम्पल के फेस्टिवल्स के लिए जो फ्लैग्स बनाए जाते हैं वो मतलब सैलिया वीवर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फाइन कॉटन के होते हैं। एंड सम डिस्टेंस अवे एट द स्वामी मलाई, स्वामी मलाई से थोड़ा सा दूर। नेक्स्ट है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। टेम्पल टाउन्स जहाँ पे टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे जहाँ आसपास लोग रहते हैं, और उनके पिलग्रिमेज सेंटर्स मतलब वर्शिप करने वाले कौन से सेंटर्स होते हैं। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। वहाँ पे मतलब शहरी का रवैया दिखाया जाता है। प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप्स, यहाँ से सिटीज़ क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है। टेम्पल्स आर ऑफन सेंट्रल टू इकॉनमी एंड सोसाइटी। टेम्पल्स को इकॉनमी और सोसाइटी का मेन मतलब पिलर माना गया है। दे ऑल्सो इंडोर द टेम्पल्स विद द ग्रांट्स ऑफ लैंड। यहाँ पे टेम्पल्स में लैंड ग्रांट में दी जाती है और मनी टू कैरी द एलैबोरेट रिचुअल्स, ताकि रिचुअल्स को यहाँ पे परफॉर्म कर सकें। फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें खाना वगैरह खिला सकें और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकें यहाँ पे, जो दान चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। टेम्पल की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, पावर्स होती हैं, वो अपने मनी को फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग में भी यूज़ करती हैं। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स वर्क, लार्ज नंबर ऑफ कौन कौन लोग यहाँ पे काम करते हैं, प्रीस्ट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, सेटल नियर द टेम्पल, जो कि टेम्पल के बिल्कुल आसपास अपनी लाइफ सेट करते हैं। इनके घर वगैरह वहीं बने हुए हैं और अपनी नीड्स भी वहीं से पूरी करते हैं। तो टाउन्स इमर्ज अराउंड द टेम्पल्स सच एज, कौन कौन से टाउन्स मतलब कि इमर्ज हुए हैं इन टेम्पल्स के आसपास, दोज ऑफ बिलासवामिन, बिलासवामिन का टाउन है, सोमनाथ इन गुजरात, बिलासवामिन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एंड कांचीपुरम इन मदुराई इन तमिलनाडु, त्रिपुरा इन आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो कि टेम्पल्स के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, मतलब जिनके आसपास टेम्पल्स बिल्ट हैं। नेक्स्ट है वृंदावन, उत्तर प्रदेश में आपने सुना ही होगा वृंदावन, यूपी वाली साइड, एंड द
तिरुवंतमलाई तमिलनाडु में आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सच टाउन्स। इन टाउन्स के ये दो मेन एग्जांपल्स हैं। अजमेर वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर मुगल्स। पहले तो ये 12th सेंचुरी में चौहान किंग्स की कैपिटल थी अजमेर, फिर बाद में हेडक्वार्टर्स बन गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने भी टेम्पल्स का इनोग्रेशन वहाँ पर किया था। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन्स के नेटवर्क्स कैसे आपस में जुड़े होते हैं। दे यूजली हैड द मंडपिका और द मंडी और ऑफ द लेटर टाइम्स, मतलब मंडीज बनी होती हैं छोटी छोटी, टू विच नियर बाई विलेजेस ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल। जो आसपास के विलेजेस अपनी खेती बाड़ी का सामान यहाँ पे मतलब सेल करने के लिए लेकर आते हैं, जो वहाँ पे जितना भी उनका मटीरियल होता है। दे ऑल्सो हैड द मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड द हट्टा और हाट। इनके पास मार्केट स्ट्रीट्स भी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हट्टा या फिर हाट, जो कि मतलब पूरी लाइन शॉप से ही भरी होती है। अलग अलग तरीके की वहाँ पे शॉप्स होती हैं, यहाँ इससे बनते हैं नेटवर्क्स, बनते हैं छोटे छोटे टाउन्स के लिए। नेक्स्ट है दे रिवाइव द टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स। ये यहाँ पे ट्रेडर्स पे टैक्सेस भी इम्पोज किए जाते हैं, आर्टिशंस पे भी लगाए जाते हैं, और आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस। कुछ टाइम डोनेट भी किया जाता है ताकि इस टैक्सेस को कलेक्ट किया जाए लोकल टेम्पल से, जो कि रिच मर्चेंट्स के द्वारा बनाए गए थे। टैक्सेस ऑन मार्केट्स, मार्केट्स पे किस तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं, ये आपको खुद रीड करना है। एंड नेक्स्ट ये चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।